नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नरदेव बुड़वाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग में। भारतीय कार निर्माता टाटा मोटर ने अपनी माइक्रो एसयूवी जिसका कोड नेम H2X है को पहली बार 89th जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में पेश किया है। इसको हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जा रहा है। जहाँ तक इसकी डिजाइन की बात करें तो ये टाटा हैरियर और अल्ट्रोज की तरह ही इम्पैक्ट डिज़ाइन 2.0 लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी। अल्ट्रोज की तरह ही इसे अल्फा आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन और डेवलप की जाएगी। H2X कॉन्सेप्ट की अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ये H5X कॉन्सेप्ट से पूरी तरह रिजेंबल करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स H5X की तरह ही लगते हैं, जैसे कि इसके ग्रिल, इसके DRL और बम्पर के ऊपर लगे ट्राई शेप्ड हेडलैम्प्स जो कि इसको सिमिलर बना देते हैं, यानी कि आप इसको मिनी हैरियर भी कह सकते हैं। अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये बॉक्सी सा लगता है, स्क्वायरिश सा लगता है और फ्लोटिंग रूप लाइन दी गई है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रियर डोर पे डोर हैंडल मिसिंग है, लेकिन ये अल्ट्रोज की तरह ही सी पिलर पे माउंटेड है। H2X कॉन्सेप्ट में एलॉय व्हील्स बहुत ही अट्रैक्टिव दी गई है, लेकिन हैरियर की तरह ये प्रोडक्शन वेरिएंट में आएंगी या नहीं ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो ये H5X से रिजेंबल नहीं करती है, क्योंकि इसमें काफ़ी एलिमेंट्स डिफरेंट दिए गए हैं, जैसे कि टेल लैम्प इसके डिफरेंट है, नीचे बम्पर पर रिफ्लेक्टर्स डिफरेंट डिज़ाइन में दी गई है। डाइमेंशंस की बात करें तो H2X की जो लेंथ है 3840 mm होगी, विड्थ इसकी 1822 mm होगी, हाइट 1635 mm होगी, व्हील बेस इसकी 2450 होगी, यानी कि ये नेक्सॉन से छोटी होगी, यानी नेक्सॉन और टियागो के बीच में इसे पोजीशन किया जाएगा। H2X कंपीट करेगी अपने राइवल फोर्ड की फ्री स्टाइल, महिंद्रा KV100 एंड मारुति सुजुकी की इग्निस। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट लाइक इंटीरियर लगती है। ऑफ कोर्स इसमें बदलाव किया जाएगा, हो सकता है आपको नेक्सॉन अल्ट्रोज या हैरियर का ही मिक्स डिज़ाइन प्रोवाइड की जाएगी। फीचर्स के तौर पर टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दी जा सकती हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में ड्यूल एयरबैग ABS EBD प्रोवाइड की जा सकती है। जहाँ तक इंजन की बात करें तो इसमें टियागो वाला 1.2 रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर आपको मिलने वाली है। डीजल इंजन की बात करें तो इसमें अवेलेबल नहीं होगा। जहां तक इसकी लॉन्च की बात करें तो फरवरी 2020 में ऑटो एक्सपो में इसकी प्रोडक्शन वेरिएंट को पेश किया जाएगा और फेस्टिव सीजन यानी दिवाली से पहले पहले इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसे 5 to 7 lakh ब्रैकेट में रखा जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।